craftivity. I am here to make tie for Father's Day's card. So let's start. And please don't forget to subscribe, share and comment on my video. अभी हमने A4 साइज का पेपर लिया था जिसको मैंने फोल्ड किया है ताकि ये पेपर मुझे स्क्वायर मिल जाए. अगर आपने स्क्वायर पेपर लिया है तो नो इश्यूज. ये हमने प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट फोल्ड किया है और इसका कॉर्नर. इसके बाद ये जो साइड का एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे हमें कट करना है. सो मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है. शो यू दैट. ये हमने ऑलरेडी कट करके रखा है ये पेपर. और अब हमें जो सेंटर लाइन मिली है इसकी, इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है सेंटर लाइन के पास फ्रॉम बोथ द साइड. सॉरी. एंड फ्रॉम बोथ द साइड्स नाउ फोल्ड इट फ्रॉम हियर टू प्रेस इट. सॉरी. इसके बाद जो हमने ये हमारा पीछे का पोर्शन है हमने आगे के पोर्शन पे स्विच किया. यहाँ से टॉप से नीचे फोल्ड करना है जितना आपको चाहिए होगा. जितना ब्रॉड ऊपर का टाई का पोर्शन चाहिए होगा वैसे इसे ऐसे फोल्ड करना है. देन अगेन इसे यहाँ पे फोल्ड करने के बाद इसका पॉइंट यहाँ पे फोल्ड करना है. क्या आप देख सकते हो मैंने इसे नॉर्मली फोल्ड किया देन मैंने इसका पॉइंट यहाँ पे प्रॉपर टच किया. ठीक है. देन अगेन स्मॉल फोल्ड, छोटी सी एक लाइन आएगी इतनी सी, दिख रहा है आपको. मैंने इसे इतना सा फोल्ड किया. देन इस फोल्ड को पकड़ के इसे टर्न करके आपको यहाँ से हाफ फोल्ड करना है जैसे हमारी टाई होती है ऐसे, जहाँ पे आपका सेंटर में लाइन है राइट जो हमने फोल्ड किया. सिमिलरली दोनों साइड से उतना ही आपको फोल्ड करना है. ऊपर से नहीं करना है. आप देख सकते हो ऊपर पॉइंट कैसे आ रहा है मेरा. मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ इसे ऐसे फोल्ड किया बेसिकली. बस यू विल गेट योर वन ट्राइंगल स्मॉल. और यहाँ से आपको फोल्ड करना है. आप स्केल भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए अगर आपके पास वो नहीं है तो. सिमिलरली यहाँ से करेंगे पहले नीचे से देन ऊपर एक छोटा सा ट्राइंगल आ जाएगा. अब देख सकते हो छोटा सा ट्राइंगल आ गया दोनों साइड में. कैन यू सी. और ये हमारा फ्रंट है. ये हमारी टाई बन गई है. और एक चीज़, आप सिर्फ इस टाई से एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो. जैसे कि ये टाई है यहाँ पे. आई विल मेक वन. आई विल शो यू. अगर आपको मूच बनाना है तो मैं वो भी दिखा देती हूँ. ओके. ये मूच बन गई. मैं इसे ब्लैक कलर से आउटलाइन देके आउटलाइन इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके. और मैंने इसे पेंसिल से आउटलाइन दिया है अब स्केच पेन के बाद ताकि हमारी मूछ शाइन हो जैसे पापा की होती है. और हम आज इसके पास एक छोटा सा डॉट बनाएंगे. एंड देन यहाँ पे हम एक छोटा सा एरो बना देते हैं. ये बचा हुआ पेपर था हमारा जिसे हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे. पहले हम इसे स्टिक करेंगे बाद में हम इसे कट करेंगे. मैंने आपको मेरे वो फादर्स डे के कार्ड वाले वीडियो में बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताए हैं कि आपको कैसे क्या यूज़ करना चाहिए और किसके जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो. सब्स्टिट्यूट्स भी बताए हैं काफ़ी सारे कि अगर आपके पास लॉकडाउन पीरियड में कुछ ना हो तो आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो या क्या कर सकते हो. एक्स्ट्रा पेपर मैं निकाल लेती हूँ.
will really enjoy our Father's Day cards video. Trust me. And जो extra है paper stuff दिख रहा है side से वो हमें ऐसे कट करना होगा, करना तो वो अच्छा नहीं दिखेगा. आप इसे अंदर से भी कट कर सकते हो सो दैट वो दिखेगा ही नहीं हमारे. मैंने इसके साइड्स में फेविकॉल नहीं लगाया था सो दैट मैं इसे इजीली कट कर लूँ. हमारा ये पॉइंट कट कर लिया है. ओके, वो भी हमने कट कर लिया है. नाउ दिस इज डन. अगर आपके पास घर पे कुछ भी नहीं है तो आप इसे कैसे छोटा सा गिफ्ट अपने डैड को दे सकते हो, ये वीडियो उसके लिए है. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल ऑल्सो गिव देयर फादर. I will show you. So I will write here happy maybe my color was dark. Okay, is it visible? Yes, happy Father's Day. I will change my color again. I will take this. You can put your lots of love. Like lots of love. I can only write miss you. अगर आपके पास स्केच पेन भी नहीं है लॉकडाउन में आप ये पेन से डेकोरेट कर सकते हैं. आई विल शो यू हाउ टू डेकोरेट विद पेन बाय द वे. सी हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए आप वैसे कर सकते हैं. इज इट विजिबल? यस. एक छोटे से टाई से हमने कितना एक कार्ड बना दिया. सिंपल बेस्ट. अगर घर पे कुछ ना हो एक सिंगल पेपर से आप एक ग्रीटिंग कार्ड बना के अपने डैड को दे सकते हो. एंड यू कैन राइट हियर फ्रॉम टू यू कैन राइट हियर फ्रॉम यू कैन राइट हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक. शेयर विथ योर फ्रेंड्स फैमिली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज कमेंट बिलो सो दैट आई कैन लाइक पोस्ट न्यू कंटेंट्स and new techniques, new tricks with you guys. And one more thing, please keep watching. Thank you. Bye bye.